सूरत शहर में वन बंधु परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वन बंधु परिषद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वन बंधु परिषद एकल अभियान के तहत वनवासी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुआ है। वन बंधु परिषद पिछले कई वर्षों से वनवासी बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। महात्मा गांधी की चिंतन का ग्राम स्वराज एवं स्वामी विवेकानंद के सपने का भारत बनाने को प्रयत्नशील वन बंधु परिषद शिक्षा के माध्यम से देश के वनवासी समाज का संपूर्ण चहुमुखी विकास करने को प्रयत्नशील है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि गरीब बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुँचाना होगा। स्वामी जी की विचारधारा को चरितार्थ करने हेतु प्रयासरत वन बंधु परिषद की स्थापना 1988 में हुई। प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा हेतु एकल विद्यालय एक शिक्षा विद्यालय योजना से शुरू हुए प्रयास में समय समय पर आरोग्य योजना, ग्राम विकास योजना, जनजागरण, संस्कार शिक्षाओं का समावेश किया गया। आज देश में सूरत जैसे 34 चैप्टर स्थापित हैं, जिनके माध्यम से 68,348 वनवासी गांवों में एकल विद्यालय पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं और 2019 तक 1,00,000 विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है। बच्चों की अनुकूलता अनुसार दिन में किसी भी समय 3 घंटे चलने वाले एकल विद्यालय में लगभग 25 से 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए गांव से लेकर केंद्रीय अभियान कार्यालय तक 8,240 पूर्णकालीन कार्यकर्ता गांव नगर समितियों के बंधुगण इसमें स्वैच्छिक सहयोग कर रहे हैं। वनवासी गांव के युवक युवतियां एवं किसानों का बहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए तापी अंचल के सोनगढ़ में एक ग्रामोत्थान केंद्र की शुरुआत की गई है। इसमें कंप्यूटर सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिंग, सुथार काम आदि के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों को गो आधारित खेती, गोबर एवं गोमूत्र से जैविक खाद, कीट नियंत्रण घोल आदि बनाने एवं खेती बाड़ी के उन तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देश के जिन वनवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चल रहे हैं उनके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। एकल विद्यालय के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और बहुधा स्वरोजगार की दिशा में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में मशाल थाम कर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पिंकी कर्मकार ने अपनी प्राथमिक शिक्षा एकल विद्यालय में पूरी की। पिंकी कर्मकार असम के चाय बागानों में काम करने वाले वनवासी परिवार से है और ऐसे हजारों विद्यार्थी आगे निकल चुके हैं। एकल ग्रामोत्थान सूरत के अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल शिक्षा के प्रकल्प भी गुजरात में शुरू किए गए हैं। गुजरात के दूर दराज वनवासी गांव में कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु मार्च 2018 में एक कंप्यूटर लैब ऑनलाइन मोबाइल संचालित की गई है, जिसमें 18 बच्चे एक साथ बैठकर कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब देश में ऐसी 15 एकल कंप्यूटर लैब संचालित हैं। अब तक एकल कंप्यूटर लैब द्वारा 3,456 और आईटी लैब द्वारा 3,913 कुल 7,369 युवक युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से कई युवक युवतियों को अपनी पंचायतों, पोस्ट ऑफिस में रोजगार मिला है तो कई अपनी स्वयं की दुकान खोलकर रोजगार की दिशा में आगे बढ़े हैं। एक अनुमान के अनुसार गत 2 वर्षों में ग्रामीण युवाओं को लगभग 2 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत हुई है। वन बंधु परिषद की यह पहल वनवासी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती दिख रही है। वन बंधु परिषद एक ऐसी संस्था है जो भारत के सुदूर ग्राम वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से वहाँ के गांव के लोगों को एम्पावर करती है और इसमें एकल विद्यालय में शिक्षा कहते हैं बच्चों के लिए, परंतु गांव के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य, जागरण, संस्कार और विकास, ग्राम विकास यानी गौ बेस्ड, गौ आधारित खेती के लिए आग्रह होता है। ऐसे 5 विषयों से लेकर हम वन बंधु परिषद के माध्यम से गांव के लोगों का विकास करने का प्रयास होता है। ये संस्था अभी पूरे भारत में 35 नगरों में चैप्टर्स हैं और ये एक अद्भुत कार्यक्रम है जो कि नगर के लोगों को ग्रामीण वनवासी लोगों के बीच में एक प्रेम का सेतु बनता है। इसके माध्यम से गांव के लोगों में एक विश्वास बढ़ता है और वो खड़े होते हैं। जो आज रात को जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए क्या कहोगे, क्या उसमें खास है ये सारा वन बंधु? वैसे ये क्यों किया जा रहा है? हेमा मालिनी जी हमारी एकल की ब्रांड एम्बेसडर रही है, उनकी बेटी उसी परंपरा में
एक नृत्य नाटिका एकल के लिए रामायण इस विषय पर वो नृत्य नाटिका कर रही है और ऐसे द्रौपदी वगैरह हेमामाली की है उसी परंपरा में एकल के इसमें अभी ईशा दी। मैंने ये सारा प्रोग्राम करने से क्या वन बंधु परिषद में क्या कुछ होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, ये सारा प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है? ये मूलतः हमारे जो दानदाता है सूरत नगर के और आसपास के बड़े नगरों के जो दानदाता है उनके लिए एक कार्यक्रम है। इसके माध्यम से लोगों में विषय जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दानदाता जुड़े और इसका मेन फंड जनरेशन भी एक बहुत बड़ा मूल। क्या क्या संदेश देना चाहते हो खासकर जो लोग वन बंधु परिषद से जुड़े हुए हैं, अदरवाइज और भी इस वन बंधु परिषद में जुड़े, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो बड़े नगरों के विशेषतः सूरत के नगरवासियों से निवेदन हम करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है एकल विद्यालय का, वन बंधु परिषद का, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इतने कम आर्थिक सहयोग में इतना बड़ा काम एक साल के लिए चलता है गांव-गांव में, तो गांवों के साथ जुड़ने के लिए हमारा कर्तव्य, हमारे दानदाताओं को ये कहते हैं कि ये अपना कर्तव्य है कि हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ हम खड़े रहें। अभी तक हमारी एकल विद्यालय से 2 मिलियन बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और आगे 1.8 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि एक बच्चा IIT करके निकला है और एक बच्चा ओलंपिक में भी गया है एंड एक लड़की को गोल्ड मेडल मिला है जिसका नाम सरिता है, इज फ्रॉम एकल। ठीक है, और एकल ग्रामोत्थान जो आपकी संस्था है जो विकास परिषद, उसमें कितने आज तक कितने स्कूलों में ये सब कुछ चल रहा है और आगे 2022 तक आप बोल रहे हो या 2020 तक? हाँ, कितने तक? अभी तक हमारे हैं 68,348 स्कूल चल रहे हैं। ओके। और 2020 तक हम 1,00,000 स्कूल अवश्य ही कर लेंगे, मोदी जी ने भी कहा था ये बात एकल को 2022। लेकिन जो गवर्नमेंट अभी आदिवासी बच्चों के लिए बहुत से शिक्षा के लिए बहुत से ऐसी स्कीमें भी लाई है और यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर से लेके अकाउंट से लेके ऐसे ऐसे कोर्सेज सरकार करवा रही है, उसके बाद में साथ साथ में उसे नौकरी भी दिला रही है और ऐसे भी एकेडमियाँ सूरत के अंदर बहुत सी चालू हुई, लेकिन वन परिषद जो आपका वन बंधु परिषद है और वो और यहाँ की नौकर जो एकेडमियाँ हैं उससे और इसमें कितना डिफरेंट है? क्या भाई जो गवर्नमेंट की है उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी जो है हम कंप्यूटर वैन चलाते हैं गांव-गांव में, इसमें एक बार में 18 बच्चे कंप्यूटर सीख लेते हैं एक गांव में थोड़ी देर रुक करके और फिर वो दूसरे गांव की और अग्रसर हो, ऐसी कई सारी वैनें हमारी ऑल ओवर इंडिया चल रही है। लेकिन जो प्रॉपर वे में जो बच्चा कंप्यूटर सीखता है उसके बाद में वो प्रॉपर वे में सीख जाता है, उसका किस प्रकार आपसे मालूम होता है कि लास्ट में एग्जाम लेता है या किस प्रकार? नहीं, एग्जाम नहीं, फिर हम उसको अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो हम उसको कोई गवर्नमेंट या बड़ी स्कूल में जो अगल बगल की जो शहरों में होती है उसमें दाखिला करवा देते हैं, उसकी सारी फीस का वो सारा वो सब जिम्मेवारी हमारी ही होती है। ओके। वो हम अरेंज करवा देते हैं।